क्या घर के अंदर में है? चलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि जानते हैं, झारखंड शाम होते ही कुछ सांप है जिसका आतंक चलता है, जिसका नाम है रसल वाइपर। कुछ व्यक्ति इसको जो है अजगर का बच्चा समझते हैं, कोई थुथुर समझते हैं और कुछ व्यक्ति इसको चहरचंदा भी कहते हैं। वही सांप के बारे में बहुत सारा नॉलेज नहीं होने का कारण झारखंड में सबसे ज़्यादा इससे मौत होता है। इसीलिए आपको सभी को बताता हूँ कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग रेस्क्यू करेंगे और बताएंगे ये सांप काटने के बाद सबसे ज़्यादा आदमी मरने का कारण क्या है, इसमें किडनी और लीवर फेल होने का कारण क्या है। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। पूरा सैनिक लोग बैठा ऊपर, आर्मी पूरा बैठा हुआ चुप चला चे। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये है रसल वाइपर, जिसको हम लोग झारखंड में इसका नाम चहरचंदा के नाम से जानते हैं और इसको चंद्रबुढ़ा भी बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं। और ये सांप का सबसे खासियत यह है, जिसके बॉडी में एड बना के चेन रहता है, एड का चेन रहता है, जिसके कारण जो है देखिए ये तुरंत जो फुफकारी मारता है और ये बिल में नहीं रहता, घर के आस पास नजर आता है। मेरे पास बाबू फोन कर नहीं आता हम भारत दोस्तों आप सभी को अनुरोध करता हूँ, हम खास करके ये सांप कभी भी काट ले तो वहाँ पर रस्सी नहीं बांधे। खास कर ज़्यादातर आदमी सांप काटता है सोचते हैं कि वहाँ पर कोई रस्सी या कोई कपड़ा बांध देते हैं, इससे होता क्या है, सबसे पहला आपको नास फट जाता है और वहाँ पर जो गैंग्रीन वो तेज़ी से हो जाता है, स्वेलिंग तो होता है उसके बाद। इसीलिए कभी भी ये सांप काटे तो वहाँ पर रस्सी नहीं बांधे। और दूसरी बात, वहाँ चीरा भी नहीं लगा। और ये हीमोटॉक्सिन होता है, हीमोटॉक्सिन का काम है खून को तुरंत जो है दही की तरह जमा देना, और जिसके कारण पूरे शरीर में खून जो है सर्कुलेट नहीं होता, चलता नहीं है और तुरंत हृदय घात से मृत्यु हो जाता है। लेकिन होता क्या है, ये सांप में एक अच्छा खासियत है, ये 100 बार में 20 बार बिना जहर का भी काटता है। इसका मतलब ये कभी भी आपको काटे, अगर आप देख लीजिए, अगर सूजन नहीं हो रहा तो इसका मतलब काटा तो है लेकिन उसमें जहर एक बूंद भी नहीं गया। दूसरी बात है, इसका जहर जब तक 15 मिलीग्राम आपके शरीर में नहीं जाएगा तो इंसान का मृत्यु नहीं होगा। उसके साथ साथ ये सांप में सबसे बड़ी बात है, रसल वाइपर में हीमोटॉक्सिन न्यूरोटॉक्सिन के साथ साथ आपका साइकोटॉक्सिन भी पाया जाता है, और जिसके कारण जो है ये जब भी बाइट करे वहाँ पर धीरे धीरे हमारा चमड़ा स्किन जो है फूलने लगता है और वहाँ फटने लगता है, उसके बाद गैंग्रीन हो जाता है। और बहुत तेज़ी से ये जो है, अगर एंटीवेनम नहीं पड़ा, सबसे पहला ये तुरंत जो दांत का मसूड़ा फटेगा वहाँ से खून निकलेगा, जीभ फटेगा, जीभ से खून निकलेगा, उसके साथ साथ पेशाब के रास्ते से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। तुरंत इसका काम है, जैसे ही बाइट किया अगर आपको लग रहा है वहाँ बहुत तेज़ दर्द कर रहा, सूजन हो रहा, तुरंत जाइए डॉक्टर के पास और तुरंत 1 टाइम में 10 AVS 10 एंटीवेनम जो इसी सांप का जहर से इंजेक्शन बनता है उसको लेना। देखिए काल एक रांची में एक मरीज को सांप काटा और जिसको इसको सांप काटने के बाद डॉक्टर से 3 इंजेक्शन दिए और 24 घंटा में उसका किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया। अभी लगभग 2 बार डायलिसिस होने के बाद भी उसके बचाने के लिए संभव नहीं डॉक्टर। इसीलिए कभी बाइट करें उसको इंजेक्शन लीजिए एंटीवेनम, पहले 10 फिर तुरंत जो है 4 से 5 घंटा के अंदर 20 वॉयल इंजेक्शन चाहिए। उसके साथ साथ आपको हाई एंटीबायोटिक लेना होगा और नहीं तो वहाँ पर गैंग्रीन भी होगा और किडनी लिवर भी डैमेज होगा। अगर ये सांप काटने के बाद आपको बहुत तेज़ी से प्यास लग रहा, गला सूख रहा, पेशाब धीरे धीरे कम होने लगा तो सोच लीजिए 100% आपका किडनी डैमेज होगा। और कभी भी गलती से ये काटने के बाद पानी पिलाने का प्रयास ना करें, कितना भी प्यास लगे ना पानी ना खाना। और ये
कभी कभी 72 घंटे के बाद भी, कभी 21 दिन के बाद भी सांप काटने के बाद भी आदमी मरते हुए देखा गया। इसलिए ये भारत का सबसे खतरनाक जहरीला सांप माना जाता है। इसको अजगर ना समझे, अजगर समझेंगे तो भैया दोस्तों देख लें, इसका दांत बहुत खतरनाक होता है, बहुत बड़ा बड़ा टीथ होता है और जहर एक बार में लगभग 50 से 63 मिलीग्राम जहर छोड़ता है। बहुत सारे व्यक्ति ये तर्क दे सकते हैं हमको काटा हमको कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसको जहर कम किया। जितने ज़्यादा मिलीग्राम जहर छोड़ेगा उतना तेज़ी से मौत होगा। अगर 50 मिलीग्राम छोड़ दिया तो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुँच पाएंगे, उससे पहले स्ट्रोक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति को सांप काटा और 20 मिनट में डेथ हो गया तो सांप का जहर से वजह से नहीं, सिर्फ पैनिक के डर के वजह से उसका मौत हुआ। इसलिए सांप काटे तो उसको डराए नहीं, आसपास व्यक्ति को सबसे पहले बोल दीजिए, उसको बोलिए कुछ नहीं हुआ, बिना जहरीला सांप काटा, वही सबसे बड़ा फास्ट एड है। दोस्तों आज के लिए आप सभी को अनुरोध करता हूँ कि कोई भी सांप काटे उसका बाइट मार्क भेजिए और तुरंत हमें उसका व्हाट्सएप में भेजिए, मैं आपको तुरंत कंफर्म कर दूंगा सांप तो काटा है लेकिन उसको जहर गया कि नहीं गया, या बिना जहरीला काटा तुरंत आपको कंफर्म कर दूंगा। उसके साथ साथ आपको जो है इलाज भी करूंगा, इलाज के बारे में बताऊंगा। और गोमो धनबाद में हमारा एक हॉस्पिटल बन रहा है जो इंडिया का पहला सबसे बड़ा सफदर हॉस्पिटल खुलने जा रहा, जो 2023 में बनेगा। ये गोमो केसलपुर का पास बन रहा, तो खरियो केसलपुर का पास हॉस्पिटल अभी बन रहा, प्रगति पर है। अब सभी को अनुरोध कर रहा हूँ दुआ करें जो हॉस्पिटल जल्दी बने, क्योंकि ये हॉस्पिटल कोई सरकार का नहीं, मैं अपने पैसा से बना रहा हूँ, जहाँ मुफ्त इलाज होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।